नीतीश कुमार आज दिल्ली के लिए निकल गए हैं। आज ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी दिल्ली गए हैं, पर दोनों का काम अलग अलग है। नीतीश कुमार कल 29 दिसंबर को होने वाली जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने दिल्ली पहुंचे हैं, तो वहीं तेजस्वी की ईडी के सामने पेशी है। कार्यकारिणी बैठक के सप्ताह भर पहले से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इनमें से एक बात पक्की हो गई लगती है कि ललन सिंह की जगह नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। जी, ललन सिंह से आपकी मुलाकात से क्या कहेंगे? उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं, कल बैठक है, उसके बाद ब्रीफ करेंगे। दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में नीतीश के आदमकद फ्लैक्स बैनर के साथ लिखा हुआ टंगा दिया गया है, प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। ललन सिंह ने पत्रकारों के प्रश्न के जवाब को अब तक टाला था। अंतिम तौर पर ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार के पद में वे इस्तीफा सौंप देंगे। दिल्ली पार्टी दफ्तर से ललन सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं। सर, पोस्टर से ललन सिंह गायब है, इसको लेकर तमाम अटकलें भी लग रही हैं। हां, ये गायब है। सर, फोटो उनकी नहीं है। सर, ललन सिंह की फोटो नहीं है। सर, ये ललन जी पोस्टर से गायब है। ये जनता दल यूनाइटेड की नियमित बैठक और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है और ये नियमित बैठक है। आपका मैनेजमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है, हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। आपका मैनेजमेंट नियंत्रण में है, नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको सेट करते हैं। हमको इस्तीफा पोस्टर आपका ये अध्यक्ष है, आपका पोस्टर इनको हम बोले हैं कि आपका पोस्टर लगा देंगे। आपसे परामर्श मांग लीजिए। नीतीश कुमार से मिले हैं, नीतीश कुमार से वन टू वन मीटिंग होने वाली है नीतीश कुमार के साथ। क्या आ गए? दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचे हैं ना, अभी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं ना। मीटिंग नहीं होगी मेरी। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता है और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर ले, आप जितना प्रयास कर ले, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इन सब लक्षणों से ये एक भी एक तार्किक स्थिति सामने आ रही है कि नीतीश जी दिल्ली संभालने के लिए बिहार में मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ खुद नीतीश जी दिलवाएंगे। इस तरह 1.5 साल से अधिक का कार्यकाल बचा रहते हुए भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, ये संभव लग रहा है। अपने अंत का आरंभ देखते हुए नीतीश ने ये दाव खेला है कि प्रदेश ने पहचाना, अब देश की बारी है, यानी प्रधानमंत्री पद की उनकी दावेदारी है।